नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर। दोस्तों, मैं हमेशा नया प्लान लाने की कोशिश करता हूँ, आपको वो लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूँ जो मार्केट में कोई आपको नहीं देगा। आप मेरी कोई भी वीडियोस उठा के देखिए, हर वीडियोस आपको एक दूसरे से अलग और डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट रिसर्च करते रहते हैं और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक लेके आते हैं। आज भी एक नया प्लान आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। प्लान का नाम है एडलवाइस प्लैटिनम प्लान। दोस्तों, ये बहुत ही HNI सेगमेंट का प्लान है और बहुत ही यूनिक प्लान है। ऐसा प्लान मार्केट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर कुछ ऐसे यूनिक और बढ़िया फीचर्स हैं जो प्रीमियम सेगमेंट के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव, बहुत ही ज्यादा बढ़िया और जेन्युइन फीचर्स हैं। यहाँ इस पॉलिसी को प्लीज एंड तक देखिएगा और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास जनरली आते रहेंगे। तो प्लीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों वीडियो को, प्लीज एंड तक देखिएगा। एज ऑफ एंट्री की बात कर लेते हैं तो 18 साल से 65 साल तक का कोई भी पर्सन पॉलिसी को ले सकता है। चाइल्ड एज की बात कर रहे हैं तो 3 महीने से 25 साल तक पॉलिसी में एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड रह सकता है। और अगर सम इंश्योर्ड की बात कर लें तो यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, 15 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पॉलिसी में लिया जा सकता है। प्लस मेडिकल टेस्ट की बात कर ले दोस्तों, एवरी एज पे मेडिकल टेस्ट इज मैंडेटरी, क्योंकि ये प्लेटिनम प्लान है। मिनिमम सम इंश्योर्ड ही 15 लाख है तो बिना मेडिकल टेस्ट के पॉलिसी नहीं मिलता है। और रूम रेंट की बात कर ले तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम कितने का भी हो आप पॉलिसी में ले सकते हैं। आईसीयू रूम की बात कर ले तो आईसीयू रूम की कोई लिमिट नहीं है पॉलिसी के अंदर, अप टू सम इंश्योर्ड आप पॉलिसी को यूज कर सकते हैं। प्लस प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूंगा दोस्तों, यहाँ सारे फीचर्स ना आपको बहुत अमेजिंग मिलेंगे। यहाँ एडमिट होने से पहले का खर्चा 90 दिन का कवर होता है, जो बहुत ही अच्छा है। और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा है, 180 दिन तक पॉलिसी में कवर होता है। 6 महीने डिस्चार्ज होने के 6 महीने बाद भी अगर कोई इलाज चलेगा, दवाइयां चलेंगी, तो वो सारे खर्चे इस पॉलिसी के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा और यूनिक फीचर है, नो क्लेम बोनस की बात कर ले दोस्तों, वो भी बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे पहले साल 50% नो क्लेम बोनस मिलता है। जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा उस साल पॉलिसी में आपको, मान लीजिए पॉलिसी 20 लाख रुपए की है और क्लेम नहीं आया पहले साल, तो अगले साल 50% बोनस बढ़ेगा, 20 लाख की पॉलिसी 30 लाख की हो जाएगी। और सेकेंड ईयर भी क्लेम नहीं आया तो 10 लाख रुपए बोनस और जुड़ जाएगा। पॉलिसी 2 साल में ही डबल हो जाती है, 1 करोड़ की पॉलिसी 2 करोड़ की हो जाती है, 50 लाख की पॉलिसी 1 करोड़ की हो जाती है। जेन्युइन जेन्युइन फीचर है। प्लस ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन है पॉलिसी के अंदर, कि जैसे कि आपका मान लीजिए पॉलिसी 20 लाख रुपए की है और किसी इमरजेंसी की वजह से आपका 20 लाख रुपए यूज हो जाता है, उसी साल में दोबारा आप 20 लाख रुपए और यूज कर सकते हैं। ये एक जेन्युइन फीचर है, 20 लाख के साथ 20 लाख फ्री, 50 के साथ 50 फ्री और 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ का इंश्योरेंस कंपनी की इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट फ्री मिलेगा। और बहुत ही एक और यूनिक फीचर, यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस इनबिल्ट फीचर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर इनबिल्ट मिलता है। यानी कि अगर कोई भगवान ना करे पॉलिसी लेने के बाद किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, 10-11 तरह की क्रिटिकल इलनेस है दोस्तों, बता देता हूँ। जैसे कोई न्यूरो से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसीज हो जाए, आपका हार्ट हार्ट से रिलेटेड कंसर्न हो जाए, किसी भी तरह का हार्ट अटैक, किसी भी तरह की स्टंटिंग, बाईपास, कोई भी सर्जरी हो जाए, लीवर से लेके, किडनी से लेके, कैंसर से लेके, बोन मैरो से लेके, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट कवर तो होगी ही होगी। एक लमसम पैसा भी मिलेगा 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का। मान लीजिए किसी ने 50 लाख का पॉलिसी लिया है और भगवान ना करे उसको फर्स्ट हार्ट अटैक आ जाता है, उस केस में भी कंपनी 50 लाख रुपए लमसम उसको प्रोवाइड कर देगी और 50 लाख रुपए का इलाज भी कंपनी देती है। जेन्युइनली इनबिल्ट फीचर है क्रिटिकल इलनेस, लमसम 10-11 तरह की जो बीमारी है उनके लिए लमसम पैसा इस पॉलिसी के थ्रू आप ले सकते हैं। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, किसी भी तरह का आप डे केयर प्रोसीजर्स पॉलिसी में करा सकते हैं। ऑपरेशन नीड की बात करूं तो पॉलिसी में 2 साल के बाद कवर होती है, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इश्यूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, 2 साल के बाद इस पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। और यदि किसी को पहले से कोई पुरानी बीमारी है जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, तो वो बीमारी यहाँ पर 2 साल के बाद ही कवर हो जाती है। जेन्युइनली अच्छा और बढ़िया फीचर है। प्लस यहाँ पर हेल्थ चेकअप की बात कर ले तो एवरी क्लेम फ्री ईयर यहाँ पर हेल्थ चेकअप पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। प्लस दोस्तों यहाँ पर एम्बुलेंस कवर पॉलिसी में अप टू 10,000 रुपीज पॉलिसी में कवर्ड है, बहुत ही अमेजिंग फीचर है।
पर इवेंट जितनी बार जरूरत पड़ेगी 10,000 रुपए तक एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं। आपका ऑर्गन डोनर एक्सपेंस भी पॉलिसी में 2 लाख रुपए तक कवर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट पॉलिसी में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड कवर्ड है। जेन्युइन जेन्युइन बढ़िया फीचर। और यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी का भी एक्सपेंस कवर है 2 लाख रुपए तक। अगर पॉलिसी में डिलीवरी के बाद जो खर्चे होते हैं उसमें न्यू बॉर्न बेबी को कोई कंसर्न आता है तो 2 लाख रुपए तक न्यू बॉर्न का बेबी का कवर है। और मैटरनिटी का खर्चा भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। 4 साल का इसमें वेटिंग पीरियड लगता है मैटरनिटी या न्यू बॉर्न का कोई भी खर्चा लेने के लिए। और यहाँ पर लिमिट है मैटरनिटी एक्सपेंस के लिए, 2 लाख रुपए तक का मैटरनिटी का एक्सपेंस इस पॉलिसी के थ्रू ले सकते हैं। जेन्युइनली बहुत बढ़िया और अच्छा अमाउंट है। 4 साल के बाद कवर होगा लेकिन अमाउंट 2 लाख है, जेन्युइनली अच्छा फीचर है। और इस पॉलिसी के अंदर टीपीए की बात कर लें, टीपीए इसमें आउटसाइड टीपीए है, इसका नाम है पैरामाउंट, ठीक ठाक टीपीए है। मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है जिस भी कंपनी का टीपीए इन हाउस होता है वो ज्यादा बेटर रहती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड टीपीए, बाकी चॉइस आपकी है। ये पॉलिसी 2 साल और 3 साल के लिए भी इकट्ठी ली जा सकती है। 2 साल का ऑप्शन लेते हैं तो 5% डिस्काउंट है और 3 साल के लिए लेते हैं तो 7.5% पॉलिसी के अंदर डिस्काउंट है। बहुत ही यूनिक हमारी कोपेमेंट भी है दोस्तों, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। कोई भी पर्सन 61 ईयर ऑनवर्ड्स और नई पॉलिसी लेता है 61 से लेकर 65 साल तक तो पॉलिसी में 20% कोपेमेंट मैंडेटरी है, 20% कोपेमेंट लगेगा, इसलिए खास ध्यान रखिएगा। और डेली कैश बेनिफिट के नाम से भी पॉलिसी में एक फीचर आता है जिसमें कि आपको 4 डे ऑनवर्ड्स डेली कैश के हिसाब से पैसा मिलता है 1500 रुपए पर डे और मैक्सिमम 10 दिन तक मिलता है, ये भी अच्छा फीचर है। पॉलिसी में बेरिटिक सर्जरी कवर है दोस्तों 10% ऑफ सम इंश्योर्ड के लिए। जो भी एक्स्ट्रा फैटी लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए एक सर्जरी होती है जिसको बेरिटिक सर्जरी बोलते हैं और डॉक्टर रिकमेंडेशन पे एप्लीकेबल है, आप 10% ऑफ सम इंश्योर्ड के लिए करा सकते हैं। एक रिकवरी बेनिफिट पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है 15,000 रुपए पर डे 11 दिन से 20 दिन तक पॉलिसी के अंदर ये फीचर अवेलेबल रहता है। और एक 1200 रुपए का पर डे का बेनिफिट है जिसमें भी आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम 4 दिन तक। अगर कोई शेयर्ड अकोमोडेशन पॉलिसी में लेते हैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम के बदले अगर शेयर्ड अकोमोडेशन यूज करते हैं तो पॉलिसी में ये 1200 रुपए पर डे आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 6,000 रुपए तक का अमाउंट इस पूरे साल में आप ले सकते हैं। दोस्तों पॉलिसी में डोमेस्टिक ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर होता है। जनरली ओवरऑल बात करूं एडलवाइज की तो न्यू कंपनी है, 2-3 साल पहले मार्केट में आई है और अच्छा काम कर रही है और जनरली क्लेम सेटलमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट करती है। फिर भी दोस्तों किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन जो मैं नहीं बता पाया या आपको नहीं समझ में आई तो हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।